अभिनेत्री जाह्नवी कपूर रविवार को 25 साल की हो गई है। उनकी दिवंगत मां और अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जाह्नवी श्रीदेवी और उनके फिल्म निर्माता पति बोनी कपूर की सबसे बड़ी बेटी है। उन्होंने 2018 में शशांक खेतान की धड़क से अभिनय की शुरुआत की। तब से उन्होंने विभिन्न निर्देशकों और सह कलाकारों के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया है और उन्हें बॉलीवुड में सबसे होनहार हुआ अभिनेता में से एक माना जाता है। हालांकि अपने सेलिब्रिटी माता पिता के कारण जाह्नवी कभी लाइमलाइट से दूर नहीं हुई। 2012 की एक घटना है जब जाह्नवी सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने पीपल मैगजीन के एक लॉन्च में शिरकत की थी जिसमें श्रीदेवी को जाह्नवी और उनकी छोटी बहन खुशी के साथ कवर पर दिखाया गया था। उनके साथ बोनी कपूर भी थे। लॉन्च इवेंट में मीडिया वालों ने जाह्नवी को कुछ शब्द हिंदी में बोलने के लिए कहा। जाह्नवी, जिन्हें हिंदी में बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं था, शब्दों की कमी थी, वह अपना जवाब में थोड़ा लड़खड़ा गई। हिंदी में, मुझे नहीं पता जी, मुझे अभी पता नहीं, मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता, मैं अभी एक स्कूल की छात्रा हूँ। इतना सुनने के बाद श्रीदेवी ने जाह्नवी से माइक छीन लिया और बेटी जाह्नवी को ट्रोल किया। श्रीदेवी ने अपनी बेटी की टूटी फूटी हिंदी की नकल करते हुए सभी को हंसा दिया। जाह्नवी भी अपनी माँ की हरकतों पर हंस पड़ी। उन्होंने हिंदी में ना बोल पाने के लिए सभी से माफी मांगी थी। जी, मुझे अभी पता नहीं, मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और प्लीज डोंट लेट हर टॉक इन हिंदी बिकॉज आई कीप बुलिंग हर। आप ये जूस लेके आओ। तब से जाह्नवी ने काफी लंबा सफर तय किया है। उन्होंने गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, रूही और लस्ट स्टोरी जैसे फिल्मों में अभिनय किया है। सभी फिल्मों में हिंदी फ्लुएंटली बोलती दिखाई दी। उनकी आने वाली फिल्म गुड लक जेरी है। ऐसे ही बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉली न्यूज हब।